पुलिस उसको इस तरीके से लेके आ रही है कि जैसे पूरे सिंध का दामाद हो या कोई ऐसा मामला, और प्रोटोकॉल के साथ बंदा जिसके ऊपर रेप का इल्जाम है और आप उसकी सोबत में लड़की को लेकर आए और वो पास खड़ा होकर उसकी शह में बयान करवाएं, तो फिर बयान कैसे होगा? बाकी शरिया ला किसी पे नहीं अप्लाई होता क्या? बाकी पूरा पाकिस्तान तो आर्टिकल 27 कहता ऑल दी लॉ शैल ब्रॉड विद इंजंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना, तो बाकी सारे कुरान एंड सुन्ना पे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा नबी, आप देख रहे हैं डेली धरती। मेरे साथ एडवोकेट मोहम्मद फियाज रामे मौजूद हैं, जो कि दुआ ज़ारा के बारे में काफ़ी तहकीक कर चुके हैं, और मतलब जो इनके सीनियर्स हैं वो दुआ ज़ारा केस को हल भी कर रहे हैं। बाकी जो मामलात हैं, दुआ ज़ारा का केस जो है क्यों लटकाया जा रहा है, क्यों मामलात हल होने की तरफ नहीं जा रहे? कराची में भी एहतजाज शुरू हो गए हैं, आवाम सड़कों पर निकल आई है, और बहुत ही ज़्यादा ये संगीन मामला हो गया पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी इसको इशू बनाया जा रहा है। मज़ीद मैं इनसे जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा कि दुआ ज़ारा का केस क्यों इतना लटकाया जा रहा है, कि जबकि दुआ ज़ारा का बताई गई थी कि उम्र अभी भी कागज़ के लिहाज से 14 साल है, लेकिन अदालत ने फैसला फिर भी सुना दिया कि वो अपने खावंद के साथ चली जाए? देखें, असेसमेंट या अंदाज़ा या जो भी चीज़ होती है, ओपिनियन तब लिया जाता है जब किसी चीज़ के बारे में पास डाटा ना हो, आपके पास उसके बारे में कोई चीज़ कैलकुलेट करने के लिए डाटा ना हो, तो आप किसी पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए मैथ के रूल के मुताबिक उसकी असेसमेंट करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एज कैलकुलेशन तो तब करवाई जाए, ऑसिफिकेशन तब टेस्ट करवाया जाए जब पास डाटा ना हो। ठीक है। अब इनके पास तो इनकी शादी को 16.5 साल हुए हैं, शादी की वीडियो से लेकर निकाह नामा, हॉस्पिटल की रसीदें, हॉस्पिटल का बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है वो, और नादरा का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो, एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये चीज़ प्रूव करती हैं कि अपना इस बच्ची की जो उम्र है वो 14 साल है, पहली बात। और लॉ ऑफ द लैंड जो है वो ये कहता है कि 16 साल की बच्ची जो होती है वो बालिग होती है, और लॉ ऑफ द लैंड जो है वो भी ऐसे पास नहीं हुआ। लॉ ऑफ द लैंड ऐसे पास हुआ है कि कुछ लड़कियां 12 साल की जवान हो जाती हैं, कुछ 13 की, 14 की। फिर उलमा इकराम ने यूनानीमस ओपिनियन के साथ एक हद मुकर्रर कर दी कि 16 साल जो है वो सब पे अप्लाई होता है, और 16 साल जो है इतनी हद रख लेनी चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि अब इसमें जजेस करना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है, चाहे 10 साल 8 साल 6 साल को अलाउ कर दें, लेकिन एक लॉ बन गया मेरे ख्याल में, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो प्रवेल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जी। और दूसरी बात, इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है कि ये बच्ची जो है ये 6ठी क्लास की स्टूडेंट है, और अगर ये 5 या 6 या 7 साल की उम्र में स्कूल इसने दाखिला लिया हो तो 7 और 6 13 13 साल। ठीक है। और ये किसी लिहाज से 14 साल से ज़्यादा नहीं है, नहीं है। और इसका ये डायरेक्टली कहा जा सकता है कि ये मेडिकल जो है वो फेक है, और फेक एक डॉक्टर किसी की उम्र के बारे में कैसे कह सकता है? और इस ये प्रॉपर एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है जो इसका टेस्ट करता है, और प्रॉपर ये बोर्ड बैठता है, ये एम ए नहीं होता। इसके बारे में मैं एक USA में डॉक्टर शुजात साहब हैं, वो एक हॉस्पिटल में MD हैं, मैं उनसे भी ओपिनियन ले चुका हूँ जो काम ये करते हैं। अच्छा बताइएगा कि ये दुआ ज़ारा की जब वालिदा से मीटिंग हुई, मुलाकात में दुआ ज़ारा ने कहा जी मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ, मैं अदालत में ये बयान भी रिकॉर्ड करवा दूँगी, लेकिन जब अदालत में उसे पेश किया गया वो कह रही है मैंने खावंद के साथ जाना है। देखें, जब बच्ची फर्स्ट टाइम आई है वो 51 डेज़ के बाद बच्ची रिकवर हुई, और ये एक यूजुअली प्रैक्टिस है कि 51 डेज़ वो कहाँ रही है, मुल्क के कौन कौन से हिस्सों में रही है, बिल्कुल ऐसे और है। उसकी कंपनी में ये कौन से कानून में लिखा हुआ है, एक बंदा जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है और आप उसकी सोबत में लड़की को लेकर आएँ और वो पास खड़ा होकर उसकी शह में बयान करवाएं, तो फिर बयान कैसे होगा? और बयान से पहले वालदैन के साथ मुलाकात नहीं हो रही, और पुलिस उसको इस तरीके से लेके आ रही है कि जैसे वो पूरे सिंध का दामाद हो या कोई ऐसा मामला, और प्रोटोकॉल के साथ गाड़ी में बैठ, बिल्कुल ऐसे ही है। और जब पुलिस पीछे से मोटिवेट करेगी तो फिर स्टेटमेंट तो ऐसा ही आएगा ना, तो जो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं ये बयान होने के बाद उसकी मुलाकात करवाएगी या बात, बिल्कुल ऐसे ही है। तब उसने कहा है कि मैं स्टेटमेंट देती हूँ, तो जजेस साहबान ने कहा कि हम बयान लिख चुके हैं, अब आप ट्रायल कोर्ट में जाएँ, तो ट्रायल कोर्ट से भाग कर लाहौर आ गए, लाहौर इट का बहाना करके। तो बेसिकली ये चीज़ें टेक्निकली मैनेज की हुई थी, इसलिए सिंध में पहले पेश किया गया कि हम वापस लाहौर का बहाना करके यहाँ से इनको फरार करा दें। ये किस लेवल पे गेम खेली जा रही है, समझ से बाहर है कि पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा इसको सिनेरियो बना रही है हाईलाइट, ये केस ब्रदर जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसमें ब्रदर एक चीज़ तो देखें, लॉ में ये प्रोविजन मौजूद है कि 2 से ज़्यादा लोग जब होते हैं तो उसको हम ग्रो ही कहते हैं, असेंबलिंग ऑफ 5% को लॉ के मुताबिक ग्रो कहते हैं, और इसमें 15 से 20 लोग तो अरेस्ट हुए हैं जिसमें से 2 अभी भी जुडिशल हुए हैं,
और इसका निकाह नामा हमने तस्दीक करवाया वो जाली है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। जिस कारी ने पढ़ाया वो जेल में है, वो जेल में है, वो कहता है मैंने पढ़ाया नहीं। तो ये मुझे बताएं कि ये डबल स्टैंडर्ड ऑफ लॉ हो गया कि नहीं? एक तरफ आप कह रहे हैं निकाह नामा भी जाली है, एक तरफ आप कह रहे हैं लड़की आज़ाद भी है। बिल्कुल, ये जुडिशल सिस्टम जो आपका एक है वो तो एक्सपोज हो गया और डॉक्यूमेंट उसके माने नहीं जा रहे। तो या तो लॉ ऑफ द लैंड को ख़त्म कर दें या शरिया लॉ चला लें। वालदा रो रही है, चिल्ला रही है, इनकी मोहब्बत इतनी आशिकी है, इनकी जाग रही है कि ये आशिकी कब उतरेगी इसकी? देखें ये चीज़, वालिदा रो रही है, आपने देखा है वालिदा की बेहोश हो रही है, सरकों पे लेट रही है। तो ये मामला देखे, पूरा पाकिस्तान ही परेशान हुआ हुआ है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में जो इंसाफ करने वाले इदारे हैं उनका रोल है ज़्यादा। देखें कुछ अगर शिया फिका के मुताबिक जैसा कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता, तो जब अदालतों ने और मामला को सुलझाना होता है तो आपको कुछ लीगल पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं। तो इसमें इस केस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब इसमें अगर जजेस लॉ ऑफ द लैंड पर बेल करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं, ऑप्शन मौजूद है। और क्यों, अगर उसका अगर दूसरी बात देखें, मेडिकल में आइए एज 16 से 17, तो निकाह नामे में एज लिखी हुई है 18 साल, और बयान में वो कह रही है मेरी 17 से 18 साल है, तो उसका बयान कहाँ रह गया बताएं? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब कराची में एहतजाज शुरू हो गया, उसके वालिद ने निकाल दे दिया जी कराची के लोग बाहर निकला, तो लोग अवाम चार्ट लेके मुख्तलिफ पंपलेट लेके बैनर्स लेके कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज करना शुरू हो गया कि हम दुआ ज़ारा को वापस घर ला के सांस लेंगे। तो अब ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल, देखें एक इंसान सारी ज़िंदगी लगा के एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाता है, बड़ी मेहनत से इकट्ठे करता है आईडी कार्ड वगैरह, और जब उसका ज़रूरत पड़ती है तो एक डॉक्टर के ओपिनियन से उसको उड़ा दिया जाता है। और ये अगर गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? जब जुडिशियल सिस्टम में तो ये प्रूव हो चुका है केस, ठीक है, तो जब आप अदालतों को लॉ को छोड़ के गुंडागर्दी करेंगे तो फिर डेफिनेटली लोग जो हैं वो सड़कों पे आएंगे और अपने तरीके से अपना हक लेंगे और आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है मामला कब हल होंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा, और आप दुआ वापस चले जाएगी कि नहीं चली जाएगी? डेफिनेटली जाएगी, ये मेरी बात आप लिख लें, लेकिन इसमें देर हो सकती है, लेकिन जिस तरह से ये मामला जा रहा है ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। इस तरह से तो लोगों की 10-12 साल की बच्चियां उसका फेक मेडिकल बनाएं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट उड़ा के सब कुछ उड़ा के वालदैन को रद्दी की टोकरी में फेंक के जो मर्जी ले जाए, वालदैन को अहमियत ही ना दीजिए, जजेस बैठे हुए हैं वो अलाउ कर दें, लिविंग रिलेशनशिप अलाउ कर दें, निकाह नामा भी नहीं है, क्या जी लड़की कह रही है? क्या एक मामले पर ही शरिया जागती है? बाकी शरिया ला किसी पर नहीं अप्लाई होता क्या? बाकी पूरा पाकिस्तान तो आर्टिकल 227 कहता है ऑल दी लॉज शैल ब्रॉड विद इंजंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना, तो बाकी सारे कुरान एंड सुन्ना पे चल रहे हैं, सिर्फ शादी के ऊपर आके कुरान एंड सुन्ना याद आता है? सबसे मेन चीज़ है कुरान एंड सुन्ना भी सोसाइटी रिफॉर्म के लिए, इससे पूरी सोसाइटी इफेक्ट हो रही है, इसमें शिया सुन्नी का मसला नहीं है, हर शख्स के इसके साथ सेंटीमेंट्स अटैच हो चुके हैं और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात बन चुकी है। और इसमें मौजूद अदालत को देखना चाहिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, अगर लोगों की 10-10, 12-12 साल की बेटियों के फेक मेडिकल बन के एक डॉक्टर के ओपिनियन पे आप किक ऑफ करना शुरू कर देंगे तो फिर इस जुडिशियल सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल 2000 केस के बारे में जितनी मालूम थी आपको फ्राम कर दी गई है, बाकी से मामला को क्यों लटकाया जा रहा है, क्यों हल नहीं किया जा रहा, लगा था कि ये मामला बिल्कुल हल हो गया लेकिन इसे दोबारा फिर लटका दिया गया। अब कराची में भी एहतजाज शुरू हो गए हैं और कई पार्टियों की तरफ से भी एहतजाज किए जा रहे हैं कि, और ये भी कहा जा रहा है उसकी फैमिली की तरफ से कि जब तक हम दुआ को घर नहीं लाएंगे हम लोग बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। बाकी आप क्या चाहते हैं कि अदालत को क्या फैसला करना चाहिए था, अदालत का फैसला गलत है कि सही? कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दी। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अल्लाह।